तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से न्यू ब्लॉग पे। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आज है छोटी दीपावली, तो ढेर सारे शुभकामनाएं। तो लड्डू की ब्लॉग आपने देखा कि नहीं, जरूर देखिएगा, ब्लॉग आ चुका है। और अभी जो है मैं अभी बना रही हूँ नारियल का लड्डू। तो यहाँ पे नारियल है, तो नारियल ताज़ा ही नारियल है, तो उसका मैंने बस छिलका हटा दिया है। तो देखा, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट उसमें ना काफ़ी हाथों पर दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्सर पर ही पीसने वाली हूँ, बहुत ईजिली हो जाता है। तो बस इसे बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कट करके मिक्सर में फटाफट से मैं पीस लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, लड्डू के लिए परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप मिक्सर में कर सकते हैं, अगर आपको अभी हाथ दर्द देता है तो। मेरा तो हाथ बहुत दर्द देता है। तो ये जो है बहुत ही हेल्दी वाला मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डालने वाली हूँ गुड़, चीनी का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पर 2 कटोरी मेरा हुआ है नारियल का बुरादा, अभी बोल सकते हैं कद्दूकस जो मैंने किया हुआ नारियल, तो 1 कटोरी मैं भर के गुड़ नहीं डाल रही हूँ। आप मीठा अपने पसंद से कर सकते हैं, गुड़ थोड़ा ज़्यादा मीठा होता तो मैं भर के 1 कटोरी नहीं ले रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो कद्दूकस हम कर लेंगे गुड़ को। और यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से कद्दूकस हो गया। मैंने गैस नहीं ऑन किया है फैन, नहीं तो आप बोलोगे कि गैस जलाया हुआ, बस कढ़ाई में ऐसे ही मैंने डाला हुआ। तो अभी मैं सभी गुड़ को ना नारियल पर डाल दूँगी। और इससे पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से। मैं कलछुल से ही कर रही हूँ, आप भी कलछुल से ही कीजिए, क्योंकि हाथों से अगर हम करेंगे तो लड्डू ख़राब होने का डर बना रहता है। तो मैं कलछुल से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। और इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे ना, लड्डू एकदम परफेक्ट और स्वाद तो इतना गजब का आएगा ना कि आप यकीन नहीं करोगे। मार्केट में जो लड्डू मिलता है ना, उससे भी बेस्ट बन के तैयार होगा। आप यकीन मानिए सुनीता के बातों को, एक बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है, मैंने जो उसका फ्लेम है लो पे रखा हुआ। लो फ्लेम पे हमें इसे ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट भुनना है। और इसका देखिए थोड़ी देर में कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अच्छे से जो है गुड़ और नारियल मिक्स हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से इलायची का पाउडर और मगजदाना, मेरे पास वही अवेलेबल है तो मैं वही डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, मूंगफली, बादाम, कुछ भी अपने पसंद से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और चाहे तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं बस इसे सिंपल ही बना रही हूँ और थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। तो मस्त हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, हल्का से ठंडा हो चुका है कि ये हाथों से मैं इसे छू सकती हूँ। तो बस हमेशा की तरह हाथों को मैंने थोड़ा सा, मतलब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। और इसकी मैं छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो सब खाने खोजते हैं 2-3। और हस्बैंड जी तो अभी ही देख के बोल रहे हैं लाओ लाओ मुझे पहले। तो मैंने बोला कि अभी नहीं मिलेगा, भोग अभी लगाया नहीं है भगवान जी को। तो देखिए छोटे छोटे लड्डू में बांध रही और एकदम कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे नारियल के लड्डू बन चुके हैं। और इसका रेसिपी आपने देखा कि नहीं, इसको छोटा सा वीडियो के लिए मैंने डाल दिया है। इसके बाद मुझे अभी और बनाने हैं, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो थोड़ा सा भी हेल्प हो जा रहा है, नहीं तो बार बार वीडियो शेयर करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नारियल का लड्डू। और अभी थोड़ा सा ये लोग चखाए हैं, बहुत टेस्टी बना रहे हैं। जब और मांगा नहीं दिए ना, तो गुस्सा के चल सिर्फ टेस्ट करवा रही है। बताए भगवान जी को भोग नहीं लगा है। ये देखिए दादा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बने हैं। मैंने भी इसे टेस्ट किया, इसीलिए बोल रही हूँ। तो 2 लड्डू हमारे यहाँ बन के तैयार है, और अभी हम नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी करेंगे। तो सबसे यहाँ सबसे पहले तो बच्चों को खाने दे देते हैं, अभी जस्ट। तो काम करते रहने से ना, बीच में डिस्टर्ब होने से मुझे बहुत जोर से गुस्सा लगता है। मतलब जो काम है मैं लगी हूँ कंटिन्यू, उसे ही करते रहने से अच्छा लगता है। बट थोड़ा देर अभी तीनों को दे देते हैं खाने,
काफी भूखे हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी की मस्ती चालू हो गई है। देखिए लड्डू खा के बोर के जिससे लग रहा है कि अमृत पी लिए हैं और कैसे ड्रामा कर रहे, बट लड्डू बहुत टेस्टी बनी है। सच में मैंने भी टेस्ट किया था अपने घर के जो देवी देवता है उनको देने के बाद। और यहाँ पे तेल खत्म हो गया था, अभी मैं अगली रेसिपी बना रही हूँ। तो तेल को हमेशा पैकेट में ऐसे ही डाल के रखती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो निकल जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, तो मैं बना रही हूँ नमक पारा। नमक पारा के बिना तो दिवाली अधूरी है। स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे इसमें नमक। और ये मैंने लिया कलौंजी, आप इसके जगह में अजवाइन भी ले सकते हैं। मोइन के लिए थोड़ा सा रिफाइन का तेल। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। अगर आपको चटपटा सा टेस्ट है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, स्पाइसी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसे सादा ही बना रही हूँ, सिर्फ नमक वाला। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक कड़ा डोट तैयार करना है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या फ्रेंड, जरूर बताइएगा। कि त्यौहार जब आते हैं तो मतलब किचन में ही लग जाना पड़ता है। मेरा तो एकदम आज बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे आज भी मुझे लग रहा है। मैं स्टार्ट की हूँ 1:45 से, बट अभी देखते हैं कितना रात होता है। तेल यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हाई मीडियम फ्लेम पे। और इधर निमकी को आधा कट करके मैंने रखा है, तब तक फ्राई होते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, तब तक दूसरा मैं कट करूँगी। और इसको जैसे हम कट कर करके रखे हैं ना, ये मत सोचिएगा कि जैसे चिपक सा जाता है तेल में डालने के बाद, ये खुल जाती है। और थोड़ा सा मोइन डालने से अच्छा रहता है। काफ़ी ज़्यादा थकान होने वाली थी इसलिए मैंने चूल्हा को जो है नीचे उतार लिया है, तो बैठ के आराम से इसमें बनाऊँगी। आराम क्या, कमर में दर्द हो जाती है लगातार 5-6 घंटा बैठे रहना। और पर्व त्यौहार है, घर में मैंने कुछ ना बनाए भी तो अच्छे नहीं लगते ना। बाहर से तो अच्छा है, घर में ही हम थोड़ा सा मेहनत करें और अपने परिवार के बच्चों को हेल्दी हम खिलाएं। तो चलिए यहाँ पर हमारा नमक पारा भी बन करके तैयार है। साइड में मैंने देखिए गेहूं का आटा निकाल के रखा हुआ है अगला जो है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी ये बना हुआ है हमारा निमकी। तो अगला मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा ठेकुआ, गुजिया नहीं बना रही हूँ, मीठा मीठा सब पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। और जो थोड़ा यहाँ पर जैसे 2 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी मैदा और 1/2 कटोरी सूजी मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गेहूँ का आटा से बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं का आटा में सूजी मिक्स करके बना सकते हैं, या तो गेहूं का आटा में सिर्फ मैदा मिक्स करके, या तो सिर्फ मैदा सूजी से बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मेरा पास बचा हुआ था मैदा, रख देती तो फिर कीड़े लग जाते। मैदा ज़्यादा मेरे घर में आता नहीं है, ज़्यादा यूज में नहीं करती हूँ मैदा, तो यहाँ पर बचा हुआ था कीड़े लग जाते इसलिए मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मोयन के लिए मैं यहाँ डालडा सोच रही थी डालने का, बट देखी कि डालडा में कलर पाउडर आ गया है तो डालडा नहीं भी डालना चाहिए। तो रिफाइंड का तेल मैंने डाल दिया है, इलायची पाउडर और यहाँ पे कोकोनट पाउडर मैंने डाला, नारियल का पाउडर, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अभी तक मैंने चीनी नहीं डाला है, तो चीनी भी हम इसमें टेस्ट के अनुसार डाल देंगे। आप चाहे तो चीनी को गर्म पानी में घोल करके भी ले सकते हैं, बट जो क्रिस्पीपन आता है ना मेन चीनी से आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा सा लगता है, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि चीनी आप ऐसे ही गोटा डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नॉर्मल ही पानी है। और एक कड़ा डो हमें तैयार करना है, हमें इसका आटा बिल्कुल भी नरम नहीं लगाना है। देखिए बहुत ही कड़ा डो तैयार हुआ है, आपको चिकना सा नहीं दिखता होगा। और एक मैंने ये सांचा लिया हुआ है ठेकुआ का, इजीली जो कि मार्केट में मिल जाता है। हमें मीडियम फ्लेम पे हमें ठेकुआ को तैयार करना है। और बताइए किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है सुनीता के रेसिपी को देख के। तो आप लोग के मुंह में पानी ना आए इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आप लोग भी घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आटा यहाँ पे तैयार हो गया है। और कभी भी जो ठेकुआ का आटा होता है ना, मैं 2 हाथों से ही इसे लगाती हूँ क्योंकि बहुत कड़ा बनाना होता है, तभी हमारे ठेकुआ क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा तेल हम लगा लेंगे सांचे पे और बस जो भी आपको डिजाइन चाहिए, छोटा छोटा सा पूरी का आकार का इतना लोई लेके और इसको आप
प्रेस करते हुए बनाइए, बहुत अच्छा सा डिजाइन आ जाता है। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप सिंपली दोनों हाथों से इसे चपटा करके ऐसे भी बना सकते हैं बिस्किट के आकार का। और थोड़ा सा इसको ना फ्राई करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना होगा तो बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से पकेंगे नहीं और चीनी भी इसका पिघलने लगेगा तो पूरा तेल ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिए। और तुरंत हम इसे नहीं पलटेंगे, एक साइड से जब हल्का सा हमें लगेगा कि ऊपर के तेल मतलब तेल के ऊपर आ चुकी है तब हम इसे हल्के हाथों से कलछुल से हिलाते हुए पलटेंगे। तो चलिए सुनीता की दिवाली की तैयारी तो हो गई है, यही सब रेसिपी सुनीता ने बनाया है जिसमें साबूदाना के लड्डू, नारियल के लड्डू, नमक पारा और ठेकुआ बनाई है। आपने क्या क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है तो इसको हम हल्के हाथों से दोनों हाथों मतलब हल्के हाथों से मैंने इसे पलट दिया था और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। देखिए देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो ये रहा हमारा ठकुआ का रेसिपी, तो बताइएगा ज़रूर से कमेंट करके। बहुत मेहनत करके दोस्तों आज मतलब कल का ब्लॉग कल में डाले, आज का ब्लॉग ये भी कल का ही है बट टाइम नहीं होने पर भी आपके वजह से मतलब आप लोगों के चलते एडिट करके मैं डाल रही हूँ। और देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, अभी तक मेरा पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ है और बच्चे हस्बैंड जी सब मार्केट गए हुए हैं दिवाली का शॉपिंग के लिए, फटाखे वगैरह लाने के लिए। आधा ठकुआ हमारा बन गया है, अभी बचा ही हुआ है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ। साथ में साइड वाले चूल्हे पे आलू चढ़ा दी हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और अभी वापस से मुझे आटा लगाना है रोटियाँ के लिए। तो सब पकवान यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका और चीटियाँ लग रही थी साइड साइड पे, तो मैं इसे तुरंत टिफिन में भर के ना इसको हम रिस्टोर करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ठकुआ को नहीं रखेंगे, लड्डू को सिर्फ रखेंगे फ्रिज में। आप आराम से इसे 15 से 20 दिन फ्रिज में रख के खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे टिफिन में डाल दिया है ताकि चीटियाँ इसमें ना लगें। तो एक बार चीटी लग जाता है निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इधर हमारा क्रिस्पी ठकुआ भी तैयार है साथ ही नमक पारा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड, पूरा किचन बिखरा पड़ा है तो चलिए और मैं सबको समेटती, अभी तो नहीं समेटूंगी, रोटी बना लूँगी और इधर मैं आलू उबाल लिया, सब्जी बनाऊँगी। बच्चे हस्बैंड जी बच्चों को लेके गए हैं मार्केट, मुझे भी जाना था दिवाली का शॉपिंग करने के लिए बट अगर मैं जाती तो फिर इधर नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे ही चले गए हैं। तो उधर देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। और थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी 6:30 से पार हो गया, अभी तक खाना नहीं बना है, तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे चीज़ों को हम समेटते हैं और उसके बाद फिर ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और आपने क्या क्या बनाया वो भी बताइएगा। दोस्तों अभी जाके मैंने काम ख़त्म किया, अभी 9 बजने को है, देख रहे पूरा अभी तक मैंने फेस भी नहीं धोया हुआ है। तो बच्चे काफ़ी सारे फटाखे वगैरह सब लाएँ, आधा यहाँ रख दिए हैं, यहाँ पर देखिए पूरा भारी मात्रा में लेके आए हैं सब। अभी फेंक के फोड़ने वाला होता है जो माचिस का तिल्ली जैसा, उसको अभी फोड़ रहे हैं और मेरे लिए यहाँ पे गोलगप्पा ला के दिए हैं इसको।